देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये कहा गया है, वर्क डन इन टाइम टी, ठीक है, मुझे बात समझ में आती है। वो मुझसे वर्क डन निकालने की कोशिश कह रहा है कि वर्क डन निकाल लो, और कितने समय में, टी टाइम में, और किसका, एक बॉडी का जिसका मास कितना है, एम है, विच इज एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट। ये बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है और वी स्पीड एक्वायर करती है इन टाइम टी वन, और वर्क डन की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ टी। तो मैंने जब पहली बार इस क्वेश्चन को किया तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं ये एक बॉडी लेता हूँ, ये बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, इस बॉडी की कुछ देर के बाद, टी टाइम के बाद, वेलोसिटी वी हो जाती है, तो मैंने वी ले लिया, सही है। और मुझे वर्क डन निकालना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इसमें क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये मेरा आंसर बनता है, ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? फिर मैंने किया हाफ इनटू, मैंने देखा कि वेलोसिटी को, एनर्जी को, वर्क डन को टाइम के फॉर्म में निकालना है, तो मैंने साइड पे इक्वेशन लगा ली, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो मैंने वी की जगह क्या पुट कर लिया, ए टी का स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से मेरा आंसर आ गया हाफ एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब प्रॉब्लम यह है कि ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है, इसमें एक्सेलरेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और अगर एक्सेलरेशन गिवन नहीं है तो मेरे को एक्सेलरेशन को एलिमिनेट तो करना ही पड़ेगा। क्या आप इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करके एक्सेलरेशन को एलिमिनेट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बताएं कैसे करेंगे, और अगर नहीं कर सकते तो बताएं इसमें क्या गलती है। ओके, मैं ये क्वेश्चन बोलता हूं, मैंने इस सॉल्यूशन में एक गलती की है, वो क्या गलती है? दोबारा से देखें, क्वेश्चन पढ़ें और गलती ढूंढें, बोलो एक गलती की है जिससे कि आंसर नहीं आ सकता, वो गलती पकड़नी पड़ेगी, और एक कॉमन मिस्टेक है, पकड़ी नहीं जाती, बहुत लोग 99% ऐसी करेंगे और फंस जाएंगे। ना कुछ नहीं, बहुत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक गलती है इसमें हल्की सी। टी वन, उसने क्या कहा कि एक्सलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ वी इन टाइम टी वन। अब ये गड़बड़ है इसमें, और जबकि मैंने क्या ले लिया, इन टाइम टी, तो टी टाइम में वी स्पीड नहीं है, सही है, लेकिन वर्क डन कितने टाइम का निकालना है, टी टाइम का, तो मुझे टी तो लेना पड़ेगा। अब मेरे को ये बात समझ में आती है कि अगर ये एक बॉडी है, यू इज इक्वल टू जीरो से चली, स्पीड वी हो गई इन टाइम टी वन, क्योंकि ये स्पीड कितने समय में हुई, टी वन, पर मुझे वर्क डन निकालना है इन टाइम टी, तो यहां पर बीच का केस गायब है। जब दोनों केसेस को मिलाया तो ऐसा कुछ डायग्राम बना, मेरे को मेरा क्वेश्चन यहां पे निकालना है, तो सही है। तो मेरा वर्क डन की वैल्यू इसमें क्या होगी, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर माइनस जीरो, बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे इसके अंदर अगर वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है, रादर यहां वी नहीं, मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, वी डैश, क्योंकि मुझे वर्क डन टी टाइम का निकालना है, टी वन का नहीं निकालना, क्योंकि मेरे को वर्क डन कितने टाइम का गिवन है, टी टाइम का, तो मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर ये टाइम जो निकालना है, टी टाइम का वर्क डन निकालना है, तो मेरे को मेरा क्वेश्चन वी डैश के साथ करना पड़ेगा, वी के साथ नहीं करना पड़ेगा, तो मैंने वी डैश पुट कर दिया, और वी डैश की वैल्यू होगी क्या, वी डैश इक्वल टू जीरो प्लस ए इंटू कितना, टी, वी डैश इज जीरो प्लस ए इंटू टी, ऐसे। तो अब मेरा वर्क डन टी टाइम में आएगा। अब प्रॉब्लम यह कि मेरे को एक्सेलरेशन एलिमिनेट करनी है, तो अब मैं इतनी जर्नी लेता हूं, इस जर्नी के लिए v इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इंटू टी वन, तो a इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई टी वन पुट किया, तो हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर बाय टी वन स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू टी का स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जे इमेज में आया है, और ये आंसर मार्क करना है। उलझा दिया उसने बुरी तरीके से, क्योंकि आदत लोगों की v लिखने की है, और उसने बीच में v जो वेलोसिटी दी वो इन टाइम टी वन दे दी, और जबकि मैंने पहले क्या लिया था, इन टाइम टी ले लिया था। समझ में आया ये स्टेप, क्या गड़बड़ हुई इसमें?
उसने कहा वर्क डन निकालना है इन टाइम टी, तो मान लेते हैं वेलोसिटी इन टाइम टी वी डैश है, वी नहीं है क्योंकि वी वेलोसिटी टी वन में है, तो मैंने कोई आर्बिटरी वी वेलोसिटी ली इन टाइम टी वन। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी डैश स्क्वायर, वी डैश क्या होगा, वी डैश इज जीरो प्लस ए टी, पुट कर दिया ये रहा। और एक्सेलेरेशन इस पोर्शन के लिए निकाल ली वी इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इंटू टी वन से ए निकाल के यहाँ पुट करके आंसर, ठीक है, एक्सेलेरेशन को एलिमिनेट कर दिया इन टर्म्स ऑफ टी वन, ठीक। अब जब ये क्वेश्चन पेपर में आया था ना, तो बनाने वाले ने पूरा जोर क्वेश्चन बनाने पे लगा दिया कि मैं उलझा दूं बच्चे को, पर एक गड़बड़ कर गया, चार जो ऑप्शन दी ना बहुत बेकार दी। पहली ऑप्शन ए ऑप्शन तो ये दी जो आंसर था, दूसरी ऑप्शन में एक में टी स्क्वायर एक में टी वन कर गया, एक में टी वन स्क्वायर एक में टी कर गया। अब हुआ क्या, लोगों ने सॉल्व ही नहीं किया, यूनिट्स एंड डायमेंशन से सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल करके जूल में आंसर मार्क कर दिया। मेरी शीट के अंदर भी क्वेश्चन है, पी वाई क्यू के अंदर भी क्वेश्चन है, सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, टाइम स्क्वायर से टाइम स्क्वायर कट के जिसका आंसर जूल में आएगा वो आंसर है। वो तो मैंने मेथड सिखा दिया कि चलो समझ में तो आना चाहिए, पर इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव में यूनिट्स एंड डायमेंशन से ही सेकंड स्क्वायर कैंसिल करके जूल में आंसर आ रहा है। तो मैं आपको इतने ही क्वेश्चन आज से दिखा दूंगा जो न्यूमेरिकल ना हो, 10 जूल 15 जूल ना हो, ऐसे हो, दो ऑप्शन तो पक्का यूनिट्स एंड डायमेंशन या अपने कॉमन सेंस से एलिमिनेट बहुत आसान से कर सकते हो। ये तो तीन के तीन ही हो गए, बात ही खत्म हो गई। तो समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है, चलो ये क्वेश्चन शीट की प्रॉब्लम है, जब शीट में आएगी आपको डाउट्स की फॉर्म में लोग पूछते हैं तो अब शायद डाउट नहीं भी आएगा। एक क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या मेंशनड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आएगा कि अगर आपके पास एक ट्यूब है, पानी की ट्यूब है, बनाने बना भी लो साथ साथ लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, पानी की ट्यूब है, इस पानी की ट्यूब में से पानी बाहर निकल रहा है ये लो, और विद अ वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ वी बाहर निकल रहा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है, तो वी वेलोसिटी से निकल रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसमें ए है। आपको ये बताना है कितना वर्क डन किया जा रहा है, और ये पानी कौन निकाल रहा है, एक पंप निकाल रहा है, पंप का कितना वर्क डन पर सेकंड है, ये क्वेश्चन है कि पंप कितना काम कर रहा है पर सेकंड, ये क्वेश्चन है। और पानी की जो डेंसिटी है वो रो आपको गिवन है, तो इसमें डेंसिटी की वैल्यू रो गिवन है, तो मैं क्या काम करूंगा इसमें, वर्क डन अपॉन सेकंड, वर्क डन पर सेकंड में काम करते हैं, वर्क डन को लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, जूल में एक ही बात है पर सेकंड, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो जो करने कर लो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बाई टाइम आ गया सेकंड। अब मैंने आपको इस ट्यूब वाले क्वेश्चन में बताया था वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू क्या होती है, एरिया इंटू वेलोसिटी, यानी कि ए इंटू वी। और मैंने ये भी करवाया था कि मास फ्लोइंग पर सेकेंड होता है, मास फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होता है, मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी पर सेकेंड ऐसे, और वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी। तो मास फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी। ये हमने क्वेश्चन फोर्स में भी किया था, पुट कर दो। ये देखो आपको क्या चाहिए इसमें, मास फ्लोइंग पर सेकेंड, तो यहां पर पुट कर दो हाफ इंटू मास फ्लोइंग पर सेकेंड इज एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो हाफ इंटू एरिया इंटू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी का क्यूब इज द आंसर। ऐसा ऑब्जेक्टिव आपको बुक्स में मिलेगा, वेलोसिटी की क्यूब की फॉर्म में आंसर होगा जो भी होगा, ठीक है यहां तक। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड या वर्क डन पर सेकेंड का आंसर क्या होगा इसमें।
सही। तो आइडिया क्लियर है सबको कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, लिख लिया। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें ना कुछ ऐसे गिवन है कि एक ना टेबल पे चेन पड़ी हुई है। हमने चेन वाली प्रॉब्लम लास्ट टाइम सेंटर ऑफ मास से की थी। एक चेन पड़ी हुई है और वो चेन, ये चेन है, चेन की कितनी लेंथ हवा में लटक रही है? एल। टोटल लेंथ तो कैपिटल एल होती होगी, टोटल की बात नहीं कर रहा, लटकती हुई चेन की लेंथ स्मॉल एल है। लिख दिया। नेक्स्ट है, आपको इस चेन को उठा के ऊपर रखना है टेबल पे, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है। हमने किया था, हम क्या ढूंढेंगे? सेंटर ऑफ मास ढूंढेंगे। सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं सेंटर में होगा, जिसकी लंबाई या डेप्थ हाइट यहाँ से क्या होगी? एल बाई टू होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से ये इसकी लंबाई कितनी है? एल बाई टू है। बनाते रहे साथ साथ, बना लें। आपको इस क्वेश्चन में लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है लैम्डा। देखो, जो हम डेंसिटीज यूज करते आए हैं अभी तक, वो वॉल्यूम डेंसिटी होती है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। पर अगर लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर का मतलब क्या होता है? लेंथ वाइज। तो लीनियर मास डेंसिटी उनमें काम आती है जिसमें मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसकी लेंथ वाइज। तो लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास डिवाइडेड बाय लेंथ। मास अपॉन वॉल्यूम नहीं होता, मास बाय लेंथ होता है। ये गिवन है लैम्डा। तो लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा गिवन है। तो अब बताओ मुझे अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना लगेगा जब चेन को टेबल के ऊपर रखना है। करो कैलकुलेट। अब तुम पूछोगे लटकती हुई चेन का मास क्या है, कितना है मास? कितने लोग बोलते हैं एल इंटू लैम्डा? वो तो पूछा ही नहीं मैंने, मैंने पूछा बस मास कितना है, एल लैम्डा। क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ कितनी है? लैम्डा। हमारे पास चेन की लेंथ क्या है? एल इक्वल टू लैम्डा। तो मास की वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा इंटू एल। तो एक शॉर्टकट भी है, अगर तुम्हें मास डेंसिटी गिवन हो, लीनियर मास डेंसिटी गिवन हो लैम्डा, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, उसका मास आ जाएगा। मैंने बता भी दिया ऐसा क्यों। तो अब ये जो मास है, ये मास कहाँ पर पड़ा हुआ है? सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास पे टोटल मास बोलो कितना पड़ा हुआ है? लैम्डा इंटू एल। अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा? मास इंटू जी इनटू हाइट कितनी? एल बाई टू। मास नहीं आता होता, लेंथ आती होती है। तो मास तो लैम्डा इनटू एल ही रहेगा पूरी चेन का, लेकिन वो कहां पर पड़ा होगा? एल बाई टू पे पड़ा होगा। मल्टीप्लाई करो तो लैम्डा स्क्वायर इनटू एल इनटू जी बाई टू इज द आंसर। ओ एल का स्क्वायर, सॉरी, राइट। तो ये एल का स्क्वायर। समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है? ठीक, इसे नोट करें, एक मिनट।
डाउट है इसमें? ये हमने कर लिया था, ये हमने कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपको, लेट अस सपोज x की वैल्यू गिवन है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। ये क्वेश्चन नहीं है, ये टेक्निक है, कब कौन सी लगानी है, बस ये बताया जा रहा है आपको ना। ये x उसने दे दिया कि बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट x के हिसाब से चेंज कर रही है। आपको 10 सेकेंड में वर्क डन निकालना है कितना, और बॉडी का मास पता है। देखो वर्क डन निकालने का तरीका तो एक ही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और कोई तरीका नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं इंटीग्रेशन यूज़ करूँ या ना करूँ, वो कैसे डिसाइड किया जाता है? अगर फोर्स वेरिएबल है, अगर फोर्स वेरिएबल है तो ऐसे केस में जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो इंटीग्रेशन से है, और अगर कॉन्स्टेंट है तो बिना इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब वर्क डन होता क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और जो फोर्स होती है वो क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी कैसे? एक्स पता है, एक बार डिफ्रेंशिएट करो वी आएगा, एक बार और डिफ्रेंशिएट करो ए आएगा। अब एक्सेलरेशन क्या आ गया? सिर्फ टू, टू इज अ कॉन्स्टेंट, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कॉन्स्टेंट आ गई। कोई डाउट इसमें? एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट आ गई टू। अब ये क्वेश्चन बिना इंटीग्रेशन के हो सकता है, कैसे? वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। प्रॉब्लम ये है कि अपने को डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, कोई बात नहीं, हमें काम करते हैं, हम इक्वेशन लगाते हैं एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और टाइम को 10 सेकेंड पुट करेंगे। पर प्रॉब्लम ये है अपने को यू नहीं पता, यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी। हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता है, अगर इस इंस्टेंट में टाइम को जीरो पुट कर दें तो वेलोसिटी क्या कहलाएगी? इनिशियल। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी? वन। तो टाइम को जीरो पुट कर देंगे तो इनिशियल वेलोसिटी वन है। तो ये देखो इस वेलोसिटी के फॉर्मूले में टाइम को जीरो पुट करके वेलोसिटी वन है। अब लगाएं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस आ गया, एस आ गया। अब मास पता है, एक्सेलरेशन पता है, एस पता है, आंसर बिना इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन सोचो अगर स्टूडेंट को ना पता लगा और वो ये कहे कि मेरे को तो पता ही लगा, मैंने तो एफ डी एक्स ही लगा दिया। हाँ लगा दो, कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं आता है, बात पक्की है, चाहे कॉन्स्टेंट फोर्स हो चाहे ना हो। तो उसने क्या किया? स्मॉल वर्क डन निकाल दिया, एफ डी एक्स का पुराना फॉर्मूला लगा दिया, एफ इज मास इनटू एक्सेलरेशन लगा दी, एक्सेलरेशन तो टू है, मास पता है, तो ये स्मॉल वर्क डन आ गया। अब उसने टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन कब से कब निकालना है? जीरो से 10 सेकंड निकालना है, तो टाइम की लिमिट क्या लगेगी? जीरो से 10। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन टाइम से चल ही नहीं रही, अगर ये डी टी होगा तो लिमिट टाइम की लगेगी जीरो से 10, पर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर डी एक्स है, यहाँ पर डी टी नहीं है, तो इसको डी टी बनाना पड़ेगा। कैसे? डी एक्स को डी टी और डी टी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया? वी इंटू डी टी। और वेलोसिटी हमें टाइम की फॉर्म में ऊपर से कैलकुलस से ऑलरेडी पता है। अब आप इसे इंटीग्रेट कर लें, टाइम की लिमिट पुट कर लें जीरो से 10, वर्क डन की वैल्यू जो आएगी वो एग्जैक्टली सेम आएगी। मैं सिर्फ मेथड दिखा रहा हूँ, चाहे आप कॉन्स्टेंट फोर्स मान के बिना इंटीग्रेशन के करें, और अगर आप इंटीग्रेशन यूज भी करते हैं तो आपको टेक्निक पता होनी चाहिए कि डी एक्स को डी टी में कैसे कन्वर्ट करना है। क्लियर है? जैसे अगर यही क्वेश्चन होता और वो हमें ये कहता कि मुझे वर्क डन निकालना है 0 से 15 मीटर, तो आप 0 से 15 मीटर के बीच में लिमिट लगा देना, फिर आपको डी टी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लिमिट टाइम की गिवन है, फिर आपको डी एक्स को डी टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर टाइम की लिमिट लगेगी। तो मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका? ठीक, तो ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है? आपको ये गिवन है कि एक ना ग्लास का एक बाउल है, ये ग्लास है, ग्लास का बना हुआ है, एक बॉल है, और बॉल को आपने यहाँ से लीज कर दिया। बॉल एच हाइट से गई, एच हाइट से गई, वो यहाँ से यहाँ से यहाँ आ रही है। मेरे क्वेश्चन में गिवन है कि वो एच से चली और वो सी पॉइंट तक पहुँच गई, और सी पॉइंट की हाइट क्या है? आर है। कुछ गड़बड़ नहीं लग रही इस डायग्राम में क्या? नहीं नहीं, वो ऐसे जा रही है, ऐसे घूमती हुई जाएगी, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, बराबर हाइट पे जाती है। ऐसा हो सकता है कि तुमने 10 मीटर पे से बॉल को घेरा, ग्रेविटी ने उसे खींचा, और जब तुम वापस आए तो 15 मीटर पे बॉल मिली। ऐसा भी कभी हुआ है, बॉल अर्थ भी कभी एनर्जी देती है, और अगर ऐसे देती तुम जंप करते 1 मीटर पे और तुम छत पे बैठे होते, ऐसा कभी हुआ है? नहीं होता, एडिशनल देनी पड़ेगी।
तो ये कभी नहीं हो सकता। अगर आपने एच हाइट से अगेंस्ट ग्रेविटी बॉल को, ग्रेविटी के साथ बॉल को घेरा है, वो एच को कभी एक्सीड नहीं कर सकती, ये बात 100% है। इसका मतलब ठीक कहा इसने, किसी ना किसी ने इसे क्या दी यहाँ पर, वेलोसिटी वी। हाँ ये तो हो सकता है, आप बॉल को वेलोसिटी वी से फेंको, वो आपकी हाइट को एक्सीड कर गई क्योंकि आपने ज़्यादा वेलोसिटी दी थी। हाँ ये तो हो सकता है, तो अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहे हैं और वेलोसिटी वी को मुझे निकालना है। बोलो कितनी वेलोसिटी हम दें ताकि ये एच से चल के आर तक पहुंच जाए। अगेंस्ट ग्रेविटी जो भी काम होगा, एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहाँ पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और यहाँ पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक को सेम कर देंगे। यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, एम जी एच। काइनेटिक क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। और यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, एम जी आर। और काइनेटिक इस इंस्टेंट पर क्या हो जाएगी, जीरो। इक्वेट कर लें और वी की वैल्यू निकाल लें, ऑप्शन मार्क कर लेना जब भी आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसका, कोई डाउट इसमें सही है यहाँ तक? तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एच हाइट पर, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक आर हाइट पर विल रिमेन सेम। सही है, कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं, तो काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल इक्वेट करके मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, वी की वैल्यू निकाल ली। समझ में आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट, कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। कंजर्वेटिव फोर्सेस हमने डिस्कस की थी और मैंने एक फॉर्मूला निकाला था किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी, वैलिड है लेकिन फ्रिक्शन के लिए वैलिड नहीं है। ये वैलिड किसके लिए है, कंजर्वेटिव, जैसे ग्रेविटी के लिए वैलिड है, स्प्रिंग के लिए भी वैलिड है। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने बताया भी था, मैं फिर से बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली कंपटीशन में। और वो क्या, जैसे एग्जांपल है, आपको क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और ये फॉर्मूला बिल्कुल एप्लीकेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो पहले टाइप की प्रॉब्लम आएगी, आप लिखना, आप लिख सकते लिखना आप लिख सकते हैं। पहले टाइप की ये प्रॉब्लम आएगी, इफ यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड एफ। तो बहुत सिंपल है, एफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू जो कि एक्स स्क्वायर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या आएगा, माइनस टू एक्स। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट है कि इफ यू इज इक्वल टू टू वाई स्क्वेयर फाइंड एफ। अब क्या करें, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी वाई कर दें। फिक्स ना करें कि मैंने एक्स लिखवाया था, एक्स ही करूँगा, वाई है वेरिएबल तो वाई के साथ काम करें। तो एफ की वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या जाएगी, माइनस डी बाई डी वाई ऑफ टू वाई स्क्वेयर पुट कर देना। तो एफ इज इक्वल टू माइनस टू वाई स्क्वेयर की डिफ्रेंसिएशन 2y, फोर्स की वैल्यू माइनस 4y। सही है, क्या पॉइंट क्लियर है? अब सपोज करो, एक मिनट, क्वेश्चन में आपको ठीक है यू एक्स की फॉर्म में दिया, आपने एफ इज माइनस डी यू बाई डी एक्स कर लिया। आपको यू वाई की फॉर्म में दिया तो आपने डी बाई डी वाई कर लिया। लेकिन अगर मान लो आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया, इफ एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर फाइंड
यू उल्टा कर दिया, तो एफ का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, माइनस डी यू बाई डी एक्स, एफ की जगह वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस डी यू बाई डी एक्स, डी यू इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेशन से क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो अगर आपको u गिवन है तो डिफरेंशिएशन और अगर f गिवन है तो इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू लेफ्ट साइड पे और माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स राइट साइड पे, तो यहाँ पर आएगा u, यहाँ पर आएगा माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री, और कभी कभी पीछे लगा होगा कोई कॉन्स्टेंट, वो तो इंटीग्रेशन का वैसे बेसिक रूल है, ये आंसर आएगा। तो मतलब u गिवन है तो f के लिए डिफरेंशिएशन, f गिवन है u के लिए इंटीग्रेशन। होल के साथ माइनस तो पूरे के साथ ही है, वो कांस्टेंट को फर्क नहीं पड़ रहा, कांस्टेंट को फर्क नहीं पड़ता, वो तो माइनस ही प्लस कुछ भी हो सकता है, प्लस कांस्टेंट ही लगता है। यहां तक ये स्टेप क्लियर है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आपको दिखेंगे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिखेंगे, असाइनमेंट के अंदर दिखेंगे और मेरी इस बुकलेट के अंदर भी जो आएगी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे। यहां तक क्लियर है, तो अब मैंने आपको ये सिखाया कि अगर u x की फॉर्म में है तो f इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, अगर u y की फॉर्म में है तो माइनस डी यू बाई डी वाई, और अगर z की फॉर्म में है माइनस डी यू बाई डी जेड। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और ऐसे u की वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड है, x भी है y भी है और z भी है, आप बोलो f का फॉर्मूला क्या लगेगा, माइनस डी यू बाई, मैं कंफ्यूज हो गया, मेरे को सिखाया गया था अगर x है तो dx लगा देना, अगर y है तो डी वाई लगा देना, अगर z है dz लगा देना, यहाँ तो तीनों हैं, अब क्या लगाऊँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड नाम की कोई चीज़ नहीं होती, एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल इकट्ठे नहीं खेलते विद रिस्पेक्ट टू, नहीं होता, तो विद रिस्पेक्ट टू d r करेंगे, कुछ भी r, r इज अ पोजिशन वेक्टर जिसके तीन कोऑर्डिनेट्स हैं x कॉमा y कॉमा z, तो ये नोट करें f इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर लगेगा। तो आप कहेंगे फिर ये r, मैं तो मैं तीन वेरिएबल से परेशान हूं, चौथा और ले आए r, अब क्या करके दिखाएं, मैं करके दिखाता हूं वो करना क्या, रुको, ये ना एक बेसिक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, मतलब r का मतलब कि u इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड z, r को ऐसे यूज नहीं करते, लेकिन आप सोच रहे हैं डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे, नहीं r नहीं करेंगे, हम बेसिकली क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे एक फॉर्मूला नोट करेंगे, फॉर्मूला रजिस्टर में भी नोट करेंगे और वैसे भी नोट करेंगे, तो इसमें ऐसा कुछ नोट करेंगे, f वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, नोट करें एक फॉर्मूला है, f वेक्टर इज इक्वल टू माइनस d बाय डी एक्स ऑफ u i कैप d बाय, और हाँ मैं गलती से d लिखना भूल नहीं गया, ऐसा ही लिखना है, इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, तो मैं गलती से डी नहीं लिखना भूल रहा हूँ, डी मुझे पता है कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे यू जे कैप और यहाँ पर लिखेंगे डी यू बाई डी जेड के कैप, ऐसे यह फैक्टर की वैल्यू आएगी। मैं करवा रहा हूँ, तो आप लिखें फॉर्मूला और पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं एक बार बताता हूँ। ठीक है, अब ये पार्शियल डेरिवेटिव फुल डेरिवेटिव से कैसे डिफरेंट है
इसको एक बार देखना है, और ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में आएगा, स्कूल लेवल में नहीं आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो आपको दिखेगा ये आम क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव में देखो, इसको यूज़ करने से पहले ये समझ लें, अगर आपके पास कंप्लीट डेरिवेटिव है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्वेश्चन है, या चलो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ एक्स प्लस वाई इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है, तो आप मुझे कहेंगे इसको मल्टीप्लाई कर दो डी एक्स बाय डी एक्स और यहाँ पर डी वाई बाय डी एक्स, मगर ठीक है सही है, आप बोलेंगे इसे वाई कर दें और डी वाई बाय डी एक्स मुझे पता नहीं तो ये आंसर है, हाँ ठीक है, बात खत्म हो जाती है, मतलब आप इसको जीरो नहीं बोलेंगे, आप इसे डी वाई बाय डी एक्स बोलेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पार्शियल में हो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, तो अब आप क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई। अब पार्शियल डेरिवेटिव ये मानता है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, एक्स के अलावा कोई और वेरिएबल दिख गया उसे कॉन्स्टेंट मान लेगा, ये नहीं मानेगा, इसको वेरिएबल ही मान रहा है, तभी इसका आंसर इसने जीरो नहीं मार्क किया, लेकिन इसके लिए पार्शियल के लिए एक्स के साथ डिफ्रेंसिएशन है तो ये अपने मन में वाई को क्या मान लेगा, कॉन्स्टेंट है, तो अगर कॉन्स्टेंट है इसकी डिफ्रेंसिएशन कर देगा जीरो, फुल नहीं जीरो करेगा, जीरो कर देगा, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, वन। डी रूल वही है, डी एक्स पर डी एक्स वन होता है, डिफ्रेंसिएशन वैसे ही करनी है, बस आपने क्या मान लेना है, इसकी वैल्यू वन कॉन्स्टेंट है, अगर x के साथ डिफ्रेंसिएशन है तो y वेरिएबल नहीं है, y बस फिर x के अलावा जो भी टर्म है वो कॉन्स्टेंट ही है, बात ही खत्म। जैसे सपोज करो मैं आपको पार्शियल के अंदर ये क्वेश्चन पूछता हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी वाई ऑफ x इंटू वाई, मान लो क्वेश्चन आ गया, अगर ये फुल डेरिवेटिव होता ना तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगता, u इंटू डिफरेंस वी फिर v और u, ये ऐसा नहीं करेगा क्योंकि ये डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू y है, तो x कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेगा डी वाई बाई डी वाई, जो कि क्या होता है वन, आंसर क्या दे देगा x, कोई u इंटू वी नहीं लगाएगा, ये समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये है पार्शियल डेरिवेटिव, ये पार्शियल डेरिवेटिव क्या है मालूम नहीं से क्या, बस पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, ये वहीं काम आता है और कहीं काम भी नहीं आता वैसे, मतलब पूरा डी नहीं आधा डी है, पार्शियल है, इसमें पार्शियल में अगर वाई के साथ डिफ्रेंसिएशन है, वाई के अलावा जो भी टर्म है वो कांस्टेंट है, यही पार्शियल है, ये तो दिखाया, अगर वाई है तो एक्स जेड सब कांस्टेंट है, ठीक है यहां तक। ठीक, तो इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा वो एक बार देखते हैं, ये देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको मान लो फोर्स का फॉर्मूला उसने क्या दिया, माइनस के एक्स प्लस ए एक्स क्यूब, नहीं ये नहीं, पहले ये करेंगे, ये नहीं ये करेंगे ये वाला, तो यू का फॉर्मूला क्या दिया, के इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तीनों दे दिया, अगर तीनों दे दिया और आपको एफ वेक्टर पूछ लिया, एफ फैक्टर की वैल्यू का फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दे दिया पार्शियल में, आप यू की जगह यहां यहां और यहां ये वैल्यूज को पुट कर लें, आई कैप जे कैप एंड के कैप, इसके अंदर जब के कांस्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, टू एक्स, अच्छा चलो पार्शियल को इससे 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 मल्टीप्लाई कर लिया, ओपन कर लिया ब्रैकेट, अब ध्यान से देखना इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, टू एक्स, लेकिन क्योंकि x के साथ है तो y कांस्टेंट है, x के साथ है z कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन जीरो, करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आंसर जीरो। अब जैसे जब इसे ओपन करेंगे तो x वाला, क्योंकि y के साथ डिफ्रेंसिएशन है पार्शियल, ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, इसकी जगह 2y, पार्शियल z है तो ये और ये कांस्टेंट, z स्क्वायर की जगह 2z, आंसर आंसर, ये ऑब्जेक्टिव मार्क कर लेना। तो समझ में आ रहा है कि अगर मान लो आपको u की वैल्यू x y z की फॉर्म में गिवन हो तो क्वेश्चन कैसे करना है, कोई डाउट इसमें, तो बस एक ही जगह पार्शियल काम आएगा, इसके बाद 365 दिन के बाद काम आएगा, वो कहते वो कैसे काम आएगा, क्योंकि एक चैप्टर आएगा प्लस टू का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हम पूरे सिलेबस में तीन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ते हैं, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक स्प्रिंग और तीसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी कंजर्वेटिव है, इसलिए प्लस टू आसान भी लगती है कई बार, क्योंकि ये सारे रूल्स आप करके गए होते हैं,
और आपको पता ही होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स है उसमें करना क्या होता है, क्योंकि प्लस वन में पूरा कंजर्वेटिव ही चलेगा 2 महीने और फिर उसको रिपीट कर देंगे प्लस टू के साथ, तो वो चीज़ें बिल्कुल सेम पैरेलल बैठ जाती हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कंजर्वेटिव के क्या रूल्स हैं, वही रूल्स इसमें चलेंगे, सेम ही चलता है। जैसे क्वेश्चन है फोर्स, ये एनर्जी फोर्स की वैल्यू दे रहा है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है ये, आपको क्या निकालनी है इसमें, और के भी कॉन्स्टेंट है ए भी कॉन्स्टेंट, आपको एनर्जी निकालनी है, एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स डिपेंडेंट है। तो आप फॉर्मूला लिखें एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। अब क्योंकि आपको एफ गिवन है, आपको यू निकालना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। आप एफ की जगह ये वैल्यू पुट कर लें और माइनस साइन को इससे मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ गई। अब आप इसे इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, के कॉन्स्टेंट आ गया, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, ए बाहर आ गया, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन एक्स फोर बाई फोर आंसर। तो ये ऑप्शन आपने मार्क करना है एनर्जी का। तो मैं आपको जैसे एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे फोर्स से एनर्जी और एनर्जी से फोर्स कैन बी कैलकुलेट। ये पॉइंट क्लियर है, ग्राफ को बाद में देखेंगे, अभी देखेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है, आप एक बार इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें, क्वेश्चन है क्या, हो सके तो ट्राई भी कर लें।